बिसमिल्मी खेलों की खबरों पर तबसा और तजियो से जे स्कोर के कार प्रोग्राम के साथ सैद आयुसैनी आपकी खिदत में हाजिर है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम में तो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से गुज्त कई दिनों से हम मुख्तलिफ मौजुआत पर प्रोग्राम करते रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर ख़बरों की जीत बनी हुई है उमर अकमल का मामला हो शुब अख्तर वर्सेज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तवजुल हैदर रिजवी साहब हों या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दीर मामलों इस वक्त मौजूद बहस हैं और इस सारी सूरत हाल में बीस साल कबल जस्टिस रिटायर अब्दुलकयूम रिपोर्ट जो मैच फिक्सिंग और खिलाड़ियों के फ़िक्सिंग के हवाले से मंजर आम पर आई थी जिसमें खिलाड़ियों को जुर्माना हुआ था पाबंदी का सामना करना पड़ा था अब उस रिपोर्ट के हवाले से सलीम मलिक जिनको ताहत पाबंदी का सामना करना था वो भी मंजर आम पर आए हैं और इस हवाले से एक बार फिर पुरानी बातों को डिस्कस किया जा रहा है पुरानी बातों को डिस्कस करने की बात आई तो पाकिस्तान के जादूगर स्पिनर सईद अजमल जिन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट वनडे और टी ट्वेंटी क्रिकेट में काराया नुमाया अंजाम दिए वो भी जनाब अपने एक बयान के साथ इस वक्त मीडिया में मौजुअ़ बहस बने हुए हैं मामला है 30 मार्च 2011 का आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 ग्यारह का सेमीफाइनल जहां रिवायती हरी पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबल थे इस मैच में सईद अजमल ने सचिन रमेश तेंडुलकर को एल आउट किया और जब अंपायर ने उनका आउट दिया तो मामला रिव्यू में गया उस वक्त भारत का स्कोर पिछहत्तर रन था लेकिन जब रिव्यू में मामला गया तो सचिन रमेश तेंडुलकर को नॉट आउट करार दिया गया क्रिकेट के खेल में पहली बार ऐसा नहीं हुआ था कि किसी बैट्समैन को ऑन फील्ड अब्बार ने आउट करा दिया और फिर जब मामला रिव्यू में गया तो टी वी एम्पायर ने उसे दीगर शवाहिद देखते हुए नॉट आउट करार दिया ग्यारह साल पहले आ, नौ साल पहले आई सी सी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जब पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबल थे तो ये मनाजिर सचिन रमेश तेंडुलकर और सईद अजमल के इस वक्त स्क्रीन पर आपने देखे जहाँ सचिन रमेश तेंडुलकर को सईद अजमल की गेंद पर जब ई एन गोल्ड ने एल बी डब्ल्यू आउट करार दिया तो फिर उसके बाद हुआ क्या पचहत्तर रन भारत का स्कोर था और सचिन रमेश तेंडुलकर सईद अजमल की गेंद पर आउट हुए फिर रिव्यू में मामला गया वो नॉट आउट करार दिए गए एक बार फिर पुरानी बातों को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है और वर्ल्ड कप 2011 में सईद अजमल की गेंद पर जब सचिन रमेश तेंडुलकर को एल आउट करार दिया गया तो इंग्लिश अम्पायर ई गोल्ड के इस फ़ैसले के हवाले से जो है वो सबक भारतीय क्रिकेटर सचिन रमेश तेंडुलकर ने इस फ़ैसले को चैलेंज किया जिस पर वो नॉट आउट करार दिए गए लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलीड पैनल के सबको ई ईएन गोल्ड फैसले पर आज भी कायम है आज भी इस गेंद का देखूं वो कहते हैं तो टेंडुलकर को आए, आउट ही करार दूंगा ई एन गोल्ड का बरतानवी रेडियो को इस हवाले से इंटरव्यू सामने आया टंडुलकर मेरे फैसले के बाद वापस जा रहे थे लेकिन फिर अचानक मेरा फैसला चैलेंज कर दिया ई एन गोल्ड का इस बारे में कहना है मैं उस वक्त नब्बे फिट बड़ी स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा था गेंद एक इंच से लेग स्टंप मिस कर गई ई एन गोल्ड ने कहा मुझे 110 फीसद यकीन था कि तेंडुलकर एल बी डब्ल्यू आउट थे और इस तमाम सूरत हाल पर जादूगर स्पिनर सईद अजमल ने अपने लबों को जुम्मि दी नौ साल बाद और उनका कहना ये है कि जब उन्होंने सचिन रमेश तेंडुलकर को गेंद की और गेंद सचिन रमेश तेंडुलकर के बैट पर लगे बिना उनके पैट से टकराई तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे और जब बरतानवी अम्पायर ई एन गोल्ड ने सचिन रमेश तेंडुलकर को आउट करार दिया तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी लेकिन ये सब कुछ उस वक्त हवा हो गया जब टीवी अंपायर ने सचिन रमेश तेंडुलकर को ऑन फील्ड अंपायर के एल आउट करार दिए जाने वाले फ़ैसले को तब्दील कर दिया काफ़ी आजकल मीडिया में शोर मचा हुआ सचिन तेंडुलकर वाला वो दो वाला वो आउट था आई थिंक अगर आप भी वो वीडियो देखें और जो अंपायर इन गोल्ड ने कहा है वो बिल्कुल सही का है अगर वो 10 साल के बाद भी वो वीडियो देखी जाए तो वो आउट था और मेरे ख्याल में वो भी आउट था क्योंकि मैं बॉलर था वो और अगर वो डिसीजन उस वक़्त आउट में कन्वर्ट होता तो ये 2011 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का रिजल्ट कुछ और होता क्योंकि सचिन तेंदुलकर वहाँ बोले था जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और तब वो स्ट्रगल कर रही थी इंडिया की टीम उस वक़्त और मेरे ख्याल में 100 था और बाकी आपका भी, आप भी आप बाबर आजम की जो कि इस वक्त पाकिस्तान की टी ट्वेंटी टीम के कप्तान भी हैं आईसीसी वर्ल्ड टी ट्वेंटी रैंकिंग में नंबर एक बैट्समैन बाबर आजम ने जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से एक जो अज़ीम खिलाड़ियों को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला शुरू किया गया है उसमें अपने ख्याल का इजहार करते हुए ये कहा है कि उनके बेहतरीन ऑल टाइम ग्रेट बल्लेबाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो सबक कप्तान यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ हैं पी सी बी की जानब से अपने हीरोज़ को याद करने और खराज तहसीन पेश करने का एक ज़बरदस्त सिलसिला शुरू हुआ है पाकिस्तान ने बहुत से ग्रेट्स क्रिकेट को दिए हैं और मेरा फेवरेट प्लेयर मोहम्मद यूसुफ़ और यूनस खान हैं यूसुभा के स्केल और क्लास खां का नेवर गिव माइंड सेट हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे और मजीद सीखते रहेंगे ये मेरा फेवरेट पेयर है आपका फेवरेट पेयर कौन सा है और क्यों बाबर आजम पाकिस्तान के इस वक्त नंबर वन बैट्समैन हैं टी ट्वेंटी कप्तान हैं आई सी सी वर्ल्ड टी ट्वेंटी रैंकिंग में नंबर एक बैट्समैन हैं और उन्होंने अपने ख्याल का इजहार ये करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के अगर बेहतरीन बैट्समैनों की उनसे राय ली जाए तो उनके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबक कप्तान टेस्ट क्रिकेट में दस हज़ार रन स्कोर करने वाले यूनुस खान और स्टाइलिश बैट्समैन पाकिस्तान टेस्ट टीम के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद यूसुफ उनके बेहतरीन आइडियल बल्लेबाज हैं बाबर आजम के इस बयान के बाद अभी और बाकी खिलाड़ियों ने भी अपने अंदाज़ में पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ियों के हवाले से अपने ख्याल का इजहार किया है और बाबर आजम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाँच साल इंटरनेशनल क्रिकेट में गुजारने वाले बाबर आजम पाकिस्तान की टेस्ट वनडे और टी ट्वेंटी टीम के मुस्तकिल रुकन है अगर उनके इंटरनेशनल करियर पर हम एक निगाह डालते हैं तो बाबर आजम ने हालिया अरसे में पाकिस्तान के लिए उमदा कारकर्दगी का मुजहरा किया है और बाबर आजम की अगर बैन अलाकवी सतह पर कारकर्दगी का अहात किया जाए तो छब्बीस टेस्ट मैचों में एक हज़ार आठ सौ पचास रन पैंतालीस आशार्य एक दो की औसत से उनके क्रेडिट पर हैं जहाँ पाँच सेंचरियाँ और तेरहेंचरियाँ उन्होंने बना रखी हैं एक दिन की क्रिकेट में बाबर आजम ने चौहत्तर मैच खेले तीन बाबर आजम इस वक्त नंबर एक पोजिशन पर मौजूद है अड़तीस टी ट्वेंटी मैचों में उन्होंने एक हजार चार सौ इकहत्तर रन पचास आचारिया सात दो की औसत से बनाए हैं और 13 निफ सेंचुरिया इस फॉर्मेट में बनाने में कामयाब रहे हैं बाबर आजम की बात चल रही है जिनका कहना यह है कि मोहम्मद यूसुफ़ और यूनुस खान उनके बेहतरीन आइडियल बल्लेबाज हैं जिनको वो फॉलो करते हैं उनके नक्शे नक्श पर चलना चाहते हैं अगर इन खिलाड़ियों की कारकरी का बैनवा क्रिकेट में अाता किया जाए खुलासा किया जाए कि क्या कारदगी इन खिलाड़ियों की रही है तो यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की तारीख में दस हज़ार रनस का संगे मेल उबूर करने वाले वाहद बल्लेबाज़ हैं जिन्होंने दस हज़ार निन्यानवे रन टेस्ट क्रिकेट में स्कोर किए वनडे क्रिकेट में सात हज़ार दो सौ छियालीस रन और टी ट्वेंटी क्रिकेट में उनके क्रेडिट पर चार सौ बयालीस रन हैं उधर दूसरी तरफ मोहम्मद यूसुफ़ हैं जो बाबर आजम के दूसरे आइडियल बैट्समैन हैं सात हजार सौ तीस रन टेस्ट क्रिकेट में उनके क्रेडिट पर नौ हजार सात सौ बीस रन वनडे क्रिकेट में उन्होंने बनाए और टी ट्वेंटी क्रिकेट में उन्होंने पचास रन स्कोर किए प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर साकिब अंसारी साहब